उसमें थोड़ी मलाई डालो, फिर किस बात का झगड़ा, बेबी मिलकर सारे खा लो खा लो। आज हम बना रहे हैं बिना फ्राई किया हुआ आलू पराठा। इसके लिए हमने लिए 4 उबले हुए आलू और मीडियम आटा गूंदा हुआ है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है। एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च चॉप की हुई, इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं अदरक को। थोड़ा सा धनिया पत्ती चॉप किया हुआ और साफ होल कोरिएंडर सीड्स और अनारदाना, थोड़ी सी कलौंजी। इसमें से अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप रेड चिली अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड करनी है इसमें। थोड़े सी अजवाइन, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ये हमने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। आप इसको सिंगल पेड़े के अंदर भी बना सकते हैं, हम यहाँ 2 करके उसके अंदर स्टफ करके बना रहे हैं। इसमें अच्छे से ज़्यादा स्टफिंग करके दोनों को अच्छे से साइड से, इधर हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसको बिना ऑयल के और बिना घी के सेकेंगे। उसके बाद जब ये सिक जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आप बटर, घी, कुछ भी जो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये हमारा आलू पराठा अच्छे से सिक रहा है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये टेस्ट में उतना ही अच्छा है जितना आप ऊपर से फ्राई किया हुआ बनाते हैं और खाते हैं। ये हमारा एक तरफ से आप देख सकते हैं एक तरफ से सिक चुका है, थोड़ा सा दूसरी साइड से और सेकने के बाद ये हमारा तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि ये सिक चुका है दोनों साइड से। अब हम इसको उतार लेंगे और देसी घी या बटर जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, हम यहाँ देसी घी लगा रहे हैं। ये बिना ऑयल के बना हुआ आलू पराठा है जो टेस्ट में उतना ही अच्छा है जितना आपका ऊपर से फ्राई किया हुआ। इसको आप बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।